ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज वर्किंग एरिया में या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी बात को लेकर कोई नेगेटिव अप्रोच मत रखिएगा, नेगेटिव थॉट्स मत रखिएगा और अड़ियल व्यवहार मत रखिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरों की जो सोच है वो सही हो। आज नए व्यापार नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। तो असंभव हो तो गौशाला जाइएगा और एक बाल्टी में पानी भर के गाय को पानी अवश्य पिलाइएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप कोई ऐसी प्लानिंग मत बनाइएगा जो कम समय में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली हो, क्योंकि ऐसी जो प्लानिंग है वो आपके लिए ठीक नहीं है। और जो भी आज बात करें वो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, हवा में बात मत कीजिएगा। आज आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज की गई जो मेहनत है उससे फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खुल सकते हैं, बड़े रास्ते खुल सकते हैं, बड़ा फायदा मिल सकता है। बस कोशिश ये करनी है, आज की बात कहने में और सुनने में क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है। किसी की शिकायत मत कीजिएगा, आलोचना में मत पड़िएगा। आज के दिन की सफलता के लिए दही खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। चूरू से रामकिशन जी हैं, जो कि अपने पुत्र रवि के लिए जानना चाहते हैं। रवि की जन्म की तारीख है 7/3/1987 और जन्म का समय है रात का 11 बजे का। रामकिशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरे बच्चे के नाम के विषय में, शादी के विषय में पूछना है। क्या करता है अभी? अभी काठमांडू में है, काठमांडू में छोटा मोटा काम करेगा, लेकिन वो सेट नहीं है। अच्छा, जय श्री कृष्ण। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। देखिए, बच्चे की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। इसकी जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो अभी गुरु की महादशा चल रही है, उसमें भी बुध का अंतर, बेस्ट टाइमिंग इस बच्चे का चल रहा है। जन्म कुंडली में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो एक मुख्य जो बात है वो ये है कि इसके भाग्य लक हाउस का जो ऑनर है वो है बुध, वो जन्म कुंडली में वक्री है। तो जब भाग्य का साथ यदि कम मिलता हो तो फिर दिक्कत है। मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन भाग्य की बहुत ज़रूरत होती है। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सन 2016 इसी वर्ष के अंत में या 2017 की शुरुआत में इसको सुयोग्य और सुलक्षणा जीवन साथी की प्राप्ति होगी। मंगल स्वग्रही है, निश्चित तौर पे अच्छी और अच्छे पगफेरे वाली पत्नी की इसको प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, बंगला, हर तरह का सुख इस बच्चे के जीवन में है। आपको करना यह है, एक तो इसको एमरल्ड पन्ना रत्न जो है वो इसको सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करवा देना है, 3.5 या 5 रत्ती का। एक बार इसके वजन के बराबर जो है गुड़ लेके गौशाला के अंदर अपने वहीं पर ही चुरू में ही दान कर दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे बेटे की जन्म कुंडली में जो दोष है वो दूर हो और उसकी जो रुकावटें हैं वो दूर हो और उसको मनोवांछित सफलता प्राप्त हो, सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो। ऐसा विचार करते हुए, प्रार्थना करते हुए गौ माता को उसके वजन के बराबर गुड़ खिला दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगी। पंडित जी, के लिए ब्यावर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, नेहा जी हैं। इनके जन्म की तारीख है 16/11/1990 और इनके जन्म का समय सुबह का 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जी बेटा। जी पंडित जी, मुझे अपनी शादी के बारे में जानना था, कहीं योग नहीं बैठा है। जी पंडित जी। जी बेटा, मैं बताता हूँ आपको। नेहा, आपकी जन्म कुंडली में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। एक तो आपका बोलते नाम से जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, जन्म से तुला और बोलते से वृश्चिक। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 चल रही है और शनि की महादशा आपको चल रही है। इसी वर्ष 12 दिसंबर 2016 के पश्चात यानी 2017 की शुरुआत में आपका विवाह निश्चित है, 101% सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं बेटा। आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, धन भवन में अथाह धन संपत्ति रहेगी, लक्ष्मी का रूप हो आप। अब समस्या क्या है, वो दो समस्याएँ हैं। पहली समस्या तो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है,
तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो बेटा, और एक तांबे के कलश में जल भर के रात को सिरहाने के पास अपने रख लिया करो और सुबह उठ के उस जल को पिया करो। सूर्य भगवान के समक्ष खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तांबे का छल्ला जो है वो आपको धारण करना है अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। दूसरी जो समस्या है वो समस्या ये है आपके जन्म कुंडली के अंदर, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि वृश्चिक राशि यानी शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो आपके लेफ्ट हैंड में एक लोहे का छल्ला धारण करना है जो खुला हुआ नहीं हो, और उसको शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। घर के अंदर एक केले का पौधा और तुलसी जी का पौधा दोनों मिला के रखें, और नियमित रूप से बेटा 40 दिन का आप ये उपाय कर लीजिए। अशुद्धता की अवस्था में नहीं करना है, वैसे 40 दिन आपको करना है, और नियमित रूप से केले और तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक लगाना है, जल अर्पण करना है, ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः करते हुए 11-21 परिक्रमा करनी है, और देखिए आप 2 महीने में आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो कार्य की अधिकता है आपको परेशान कर सकती है, ओवरबर्डन आज आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो जो कार्य हैं वो पूरे होने पर फायदा किसी और को नहीं मिलने वाला, वो आपको ही मिलने वाला है। और आज आप किसी भी काम को शॉर्टकट से करने का प्रयास मत कीजिए, जिस काम में जितना समय लगना है उतना लगने दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फ्यूचर को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, उनके बारे में पॉजिटिव वे से विचार कीजिए, सोचिए, विश्वास करें, वो सब संभव है और आपको आगे के रास्ते नजर आने लगेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। कभी कभी हॉस्पिटल भी चले जाइए और वहाँ देखिए कि अगर कोई ऐसा परेशान व्यक्ति है जिसको दवाइयों की ज़रूरत है, आप पैसा मत दीजिए, आप उसको दवाइयाँ खरीद के दे दीजिए, निश्चित तौर पे पुण्य आपको मिलेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशन से लड़ने की बजाय उसमें ढलने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए जितना सिचुएशन से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, उतनी ही सिचुएशन और नेगेटिव होती जाएगी। स्ट्रेस मत लीजिएगा, अपने एफर्ट्स पूरे करते रहिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज को थोड़ा सिंदूर अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, इन तो राशियों की बात हुई, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी महाराज का एक बड़ा ही पावरफुल मंत्र बता रहा हूँ जो कि स्वयं सिद्ध है। श्री हनुमान जी महाराज के इस मंत्र में जो है वो आप मान के चलिए, ओम के माध्यम से पर ब्रह्मा परमात्मा की कृपा, शी के माध्यम से लक्ष्मी जी की कृपा अर्थात माता जानकी जी की कृपा, और राम के माध्यम से श्री हनुमान जी के प्रिय श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। जब भक्त इस मंत्र का जाप करते हैं तब श्री हनुमान जी महाराज इस मंत्र के माध्यम से हमारी पुकार सुनकर हमारे शरीर में सर्व शक्तियों के साथ में विराजमान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जो हैं श्री राम के परम भक्त और सेवक हैं, इसलिए अपने नाम दूताई के पूर्व अपने प्रभु श्री राम का स्मरण सुनकर श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और उस मंत्र के माध्यम से हमारी पुकार सुनकर तुरंत इस बात का संदेश अपने प्रभु श्री राम को देते हैं, और प्रभु श्री राम भी अपने परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के मुख से संदेश सुनकर अति प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम की यह नीति है कि उन्हें अपने सेवक के जो सेवक हैं, सेवक के जो सेवक हैं वो अति प्रिय होते हैं। आप देखिए कि एक सभी भगवानों के अंदर एक हनुमान जी महाराज एक ऐसे हैं जो खुद की गुणगान से प्रसन्न नहीं होते। आप प्रभु श्री राम का गुणगान करिए, उनके नाम से करिए प्रभु श्री राम का गुणगान, देखिए हनुमान जी महाराज किस तरीके से आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो लिख लीजिए एक ऐसा मंत्र जिनको सुनकर, जिसका जाप करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर और आपकी जो मनोकामना है वो लेकर भगवान श्री राम के दरबार में जाते हैं और अपने सेवक की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होते ही जितने भी दुख हैं, दुर्भाग्य हैं, उन सबसे मुक्ति मिलती। बड़ा ही सरल मंत्र है, आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, ओम श्री राम दूताय नमः। दिन भर में जितने बार कर सकते हो ओम श्री राम दूताय नमः, कितना
छोटा सा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं, ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पे आपके बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा, कष्टों को दूर करेगा, दुखों को दूर करेगा, मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।